कृष्ण। अभी तक हम लोग जय विजय का पराक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग 22 तक श्लोक हम लोग पढ़े हैं। हम लोग इस श्लोक में क्या क्या पढ़े उनका बल कैसे थे, वो कितने बलवान थे, खड़े है तो उनका किरीट आसमान को ढक जाता था और कमर का खरदनी सूर्य को छिपा देता था, और वो पाव रखे तो एक-एक पाव रखे तो धरती कांपती थी, और ऐसे वो गर्जना करते थे, सभी देवी देवता सब लोग डर के मारे छिप जाते थे, और उनके अंदर ऐसा मनोबल था और शारीरिक बल और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वरदान, इसके वजह से वो इतना घमंड हो गए है ना, किसी को वो अपने सब किसी को अपने वश में कर लेते थे, इतने घमंड हो गए थे, देवी देवता सभी को अपने वश में किए। इधर हम लोग देखेंगे भगवान के दो पार्षद, भगवान के दो पार्षद के अंदर ऐसी कितने शक्ति कैसे आ गया दोनों के पास, हम लोग थोड़ा देखेंगे। भगवान, भगवान शब्द का उदाहरण किसने किया, भगवान शब्द का क्या बोलते हैं उसको मीनिंग, भगवान शब्द का मीनिंग क्या है, उसको किसने उद्धृत करके लिखा है, भगवान व्यासदेव जी, माता जी नहीं, ब्रह्मा जी माता जी नहीं, पराशर मुनि राइट, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की। भगवान है क्या, भग है ऐश्वर्य, वान है धारण करना, हम लोग भौतिक दुनिया में बोलते हैं ना धनवान बलवान शक्तिमान इसे बोलते हैं ना, इसे भगवान, भग ने ऐश्वर्य, वान ने धारण कर, कितने प्रकार के ऐश्वर्य थे भगवान के पास, प्रकार के ऐश्वर्य थे, कौन सा था, पहला कौन सा था, बल धन ऐश्वर्य सुंदरता वैराग्य, छठा वैराग्य, सबसे सुंदर सबसे बलवान सबसे धनवान सबसे बुद्धिमान सबसे ज्ञानी और वैराग्य, वैराग्य सब होने पर भी उनके अंदर वैराग्य, ये हम लोग देखते हैं। और ये दोनों भगवान के पार्षद, भगवान के पार्षद बनने के लिए भी उनके अंदर क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ना। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में किधर भी ऑफिस में इंटरव्यू लेते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर का एक पर्सनल सेक्रेटरी पीए होता है तो उनका हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, उनको ऐसे ही नहीं सेलेक्ट, उसके अंदर क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ना। इधर भी जॉब करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्वालिफिकेशन ये इस काम के लिए योग्य है या नहीं, हम लोग जाते, ये दोनों जय विजय का क्वालिफिकेशन भगवान ने जानशिव को रखा है, क्योंकि हम लोग भागवत में देखते हैं जब ही उनको अपने माता के रूप में किसी को करना है तो पिता के रूप में चुनना है तो भगवान खुद वसुदेव देवकी नंद बाबा यशोदा मैया सब भगवान खुद चुनते हैं, भगवान खुद अपने माँ कौन बनेंगे पिता कौन बनेंगे ये सब भगवान खुद, ये दोनों जय विजय भगवान ने चुना है उनको, ऐसे शुद्ध भक्त है भगवान के, शुद्ध भक्त है उन्होंने चुना। भगवान के अंदर ही छह ऐश्वर्य गुण होने के बाद उनके सेवा करते 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 भक्तों के अंदर भी उनके उनके अंदर एक गुण आ जाता है, इसी के वजह से जब भी उनको चतुर कुमारों ने शाप दिया, शाप देके वो पृथ्वी पे आ गए और उसको कोई मार नहीं सकता, देवी देवता भी उनके सामने आने के लिए डरते थे, यानी क्यों नहीं, क्योंकि वो भगवान द्वारा शक्ति शक्ति प्रदत्त थे, भगवान की इच्छा से उन्होंने धरती पर तीन
युग के लिए तीन युग से वो वापस आने वाले थे, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। इधर हम लोग देखते हैं ये भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त जय विजय, इतना वो घमंडी ताकतवान हिरण्यकश्यपु ने 60,000 बरस तपश्चर्या की, तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने सब वर मांग लिया, अंदर नहीं मरने का, बाहर नहीं मरने का, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, प्राणी से नहीं, मनुष्य से नहीं, सुबह नहीं, रात नहीं, बन रहा वो अपना बल को परमानेंट कर दिया, अपना बल को ये कर दिया, और अपने भाई हिरण्याक्ष को भी ऐसा ही तैयार कर दिया हमने, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव, इसमें हम लोग आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव के बारे में हम लोग देखते हैं। इधर ये चैप्टर में हम लोग को पूरा आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव के बारे में हम लोग को देखने को मिलेगा। आसुरी स्वभाव वाले क्या करता है, ये सब भोगने का मेरा ही है, मैं ही इसका एकमात्र अधिकारी हूँ, मैं ही इसको भोगने वाला, ये ब्रह्मा जी के वरदान और इनके बल, इसकी वजह से वो तीनों लोग ऊपर स्वर्ग लोक पे चले गए। स्वर्ग लोक के जाने के बाद उधर से भी देवी देवता उनके सामने आ नहीं सके, वो लोग सब छिप गए, उनको लगा चलो सब लोग भागे, ये हमारा हो गया, ये हम सब हमारा, इंद्र का आसन में बैठ गए, इंद्र के आसन में, और ये देवी देवता सबको अपने घर में काम करने के लिए रखा। हिरण्याक्ष गदा लेके वो अपने भाई को खुश करना चाहता था, उसका क्या है, वो भाई भाई को खुश करने से वो मुझे भाई को खुश करना है, मेरा एक ही धर्म है, वो सोचा था मेरा भाई को खुश करना, और ये हिरण्यकश्यप भी भाई को सब ट्रेंड कर दिया था आसुरी स्वभाव का, यानी आसुरी लोगों का स्वभाव ही ऐसा रहता है, वो अपने पहले अपने को, अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को सब आसुरी बना देते हैं, आसुरी स्वभाव, यानी उनका यही रहता है, सब कुछ उन्हीं का है, भोगना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, भोगना ही जीवन है, इस तरह आसुरी स्वभाव वालों का लक्ष्य रहता है। भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हम लोग देखते, शंख चक्र गदा पद्म में से शंख और कमल दैवी स्वभाव वालों के हाथ में रहता है, और गदा और चक्र आसुरी स्वभाव वालों के हाथ में रहता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, अपने गदा को हाथ में लेके सब जगह घूम रहे, स्वर्ग लोग गया, स्वर्ग लोग में तो कोई नहीं, इससे कोई दिख नहीं रहे, फिर स्वर्ग से नीचे उतर के आए नीचे सागर में, उधर छलांग मारा डूबे, वरुण देव से प्रणाम किया उन्होंने, हिरण्याक्ष ने क्या किया, वरुण देव को दंडवत प्रणाम करके उनसे भिक्षा मांगी, कृपा करके आप हम मेरे साथ युद्ध करें, तो वरुण देव ने बोला नहीं नहीं मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मैं अभी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, करके आप विष्णु के पास जा सकते हैं, विष्णु ही आपके साथ युद्ध करने के लिए योग्य। तो हिरण्याक्ष समुद्र में छलांग मारता है, इसे छलांग मारने से ये वरुण के सभी देवता वो लोग डर जाते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर पानी के अंदर जो जो जलचर थे वो लोग भी डर के भाग जाते, इसे सब वो बोला हाँ सब लोग डर के भागे, ये सब मेरा हो गया, मेरा हो गया, ऐसा आसुरी स्वभाव वालों का स्वभाव। जय विजय का पृथ्वी पर आने का गुण देखा। अभी जीव, हम सब जीव भगवत धाम में रहते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान के साथ ही हम लोग सभी जीव अद्भुत सनातन, हम जीव कौन है, सनातन, भगवान का एक कौन है, सनातन, भगवान के साथ रहते थे, मगर हमारे अंदर भी दो गुण हो गया, कौन बोल सकते है हमारे अंदर दो गुण उत्पन्न हुआ, कौन जानते हैं, इच्छा और द्वेष, हमारे अंदर
ये दुगुण उत्पन्न हुआ इच्छा। और हम लोग भगवत धाम में रहते थे, भगवत धाम में रहने के बाद हम लोग देखते थे भगवान को, भगवान मालिक है, भगवान इतना सुंदर, उनका सब लोग सेवा कर रहे, भगवान इतना सब एक कर रहा है सब, हमारे अंदर हो गया इच्छा, हो गया हमें भी भगवान जैसे बनने का इच्छा, इच्छा मात्र से भगवान के जैसे हमें बनने का इच्छा मात्र से। और द्वेष, द्वेष कैसे है, ये सब उसी को मेरा, मुझे मिलना चाहिए था, ये सब मेरा था, मुझे मिलना चाहिए, उसको मेरा, एक द्वेष, इच्छा और द्वेष के कारण हम लोग इधर भौतिक दुनिया में आए। भगवान ने बोला इधर इच्छा द्वेष के लिए इधर अवकाश नहीं, गोलोक धाम में सब सतोगुणी रहते हैं, भगवान ही एक मालिक है और बाकी सब भगवान के सेवा करने वाले, भगवान के दास है, उधर एक ही मालिक है। मगर हम लोगों ने इच्छा द्वेष प्रकट की, इसके लिए भगवान ने बोला इधर नहीं, आप इधर नहीं रह सकते, जाओ भौतिक दुनिया में, जाओ भौतिक दुनिया में जाके ट्रेन करो, ट्रेन ट्रेनिंग लेके, हाँ भगवान की सेवा का ट्रेनिंग लेके वापस आने का, आपको भगवत धाम में वापस आने का करके भगवान हम लोग को इधर भेजा। और साथ ही साथ हम लोग को सब दे दिया है, ग्रंथ, गुरु, धाम, तुलसी, भगवान का अर्चन विग्रह, सब सब देख के बताया ये सब इसका फॉलो करो। और ग्रंथ सब देख के, इसको पढ़ के, इसको जान के, इसको समझ के, अपना जीवन में उतार के आपको वापस भगवत धाम आना करके हम लोग को इधर भेजा भगवान। और साथ ही साथ हमारे अंदर भी बैठा है, बाहर भी बैठा है, और हमें ज्ञान दे रहे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग हरा पक्ष पेड़ के अंदर, दो पेड़ के ऊपर दो पक्षी, एक फल खा रहा है, एक देख रहा है, वो पक्षी का उदाहरण हम लोग बार बार जानते सुनते, वैसे अंदर बैठे और भगवान देख रहे, ये अभी भगवान का नाम लेगा, अभी भगवान का दर्शन करेगा, अभी भगवान का सेवा करेगा। मगर हम लोग क्या करें, भोग रहे का, अरे ये मॉल में अच्छा सामान मिल रहा है, उधर सस्ता मिल रहा है, इधर अच्छा मिल रहा है, उधर अच्छा मिल रहा है, यही हम लोग भोगने में ही लगे रहे। इधर होटल में अच्छा खाना मिलता है, उधर अच्छा टॉकीज में पिक्चर अच्छा दिखा रहे, ये इंद्र तृप्ति में लगा हुआ। इधर भगवत गीता में भगवान बता रहे, जो भी विधि विधान जो है, ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ जो है भगवान ने रचा हुआ, किसके लिए, हम लोग को ये विधि विधानों को पढ़ के उसको हम लोग को आचरण करने से, विधि विधानों को आचरण करने से हम लोग को भगवान में, भगवान के चरण में हमारा मति जाता है, भक्ति आता है, भक्ति से हम लोग भगवत धाम प्राप्त कर सकते। इसके लिए ये विधि विधान और ग्रंथ सब हम लोगों के लिए भगवान ने रखा है। मगर हम लोग मूर्ख लोग अपने मनगढ़ंत ये करते, वो विचार करते, अपने मनगढ़ंत विचार करके 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 ये विधि विधानों को नहीं देखते। जो हजारों में जो भगवान का शुद्ध भक्त सतोगुण वाले है, वो विधि विधानों को पालन करता है, जो उनका संस्कृति का वो पालन करता है, विधि विधानों को पालन करके उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उसको दैवी प्रकृति वाला भी। और जो ये विधि विधानों का पालन नहीं करेगा, अपने मन तरीके से गलन से वो चलेगा, उसको क्या बोलते हैं, आसुरी स्वभाव। हम लोग युग के बारे में देखे, सत्य युग में किधर कितने दूर दूर तक स्वर्ग लोक में देवी देवता लोग रहते थे, और नीचे लोक में असुर लोग रहते थे, और वो टाइम में भी असुर लोग सब ज्ञानी थे, उन लोग को सब मालूम था। हम लोग रावण का चरित्र देखे तो मालूम पड़ता, रावण को सब मालूम था, ज्योतिष शास्त्र सभी विधि नियम सब मालूम था रावण को। रावण ने ऐसा एक बना रहा था, सीढ़ी बना रहा था, डायरेक्ट स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना रहा था, क्योंकि कुछ ये करने का जरूरत नहीं, नियम फॉलो करने का, डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते। पर भगवान ने
उसका वो प्लान क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। भगवान को मालूम होता है, भगवान हरे के हृदय में बैठे रहते, देखते रहते। हम लोग को लगता है नहीं, हम लोग जो भी कर रहे हैं भगवान नहीं, भगवान हर क्षण, हमने पिछले सब कैंटो में पढ़े, हम लोग हर जगह भगवान का वास है। आंखों का खुला करने का बंद करने में है, और मुंह खुला करने का बंद करने, सब जगह भगवान का वास है, सब जगह देवी देवताओं का वास है। ये सब हम लोग जान रहे, जाने अभी सब पढ़ के आए हैं। भगवान सब जगह देख रहे, कौन विधि विधानों का पालन कर रहे, कौन विधि विधान से भगवान की सेवा कर रहे, तो भगवान उनको हृदय में बैठे उनको ज्ञान देते। पता नहीं मत ज्ञान अपोहनम, मैं ही उनको बुद्धि देने वालों, मैं ही बुलाने वालों। भोगना चाहते हैं भोगो, भोगो करके, क्योंकि दोनों दैवी गुण वाले जीव भी भगवान के बच्चे है, आसुरी गुण वाले ही भगवान के बच्चे, दोनों की इच्छा पूरा कर। भगवान बोलते ना मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई मेरे मित्र और शत्रु, मैं सभी को समभाव, समभाव से मैं सभी का पालन करती हूँ, सब लोग मेरे लिए समभाव। मैं जो भी प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोर जो भी मुझे अर्पण करते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, प्रेम से स्वीकार करता हूँ। जो मेरा स्तुति करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, सब हम लोग भगवत गीता में श्लोक में पढ़ रहे हैं, जो हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, इन लोगों के ऊपर भगवान का ज्यादा प्यार है। ये सत्ययुग है, सत्ययुग में स्वर्ग लोक और असुर लोक में डिफरेंस था। ये असुर लोक भी सब ज्ञान ज्ञानवान थे, और कभी कभी वो लोग भी देवी देवताओं को तंग करते थे, तभी देवी देवता क्या करते, तुरंत भगवान के शरण में जाके भगवान उनका वध कर देते। इंद्र के रक्षा करने के लिए वृत्रासुर के सभी राक्षस का वध किया, ये सब भागवत में आगे हम लोग को मालूम पड़ेगा, बहुत सुंदर से वर्णन किया हुआ है। फिर सत्ययुग के बाद आ गया त्रेतायुग। त्रेतायुग में राम, राम अयोध्या में थे, और रावण कहाँ था, लंका में, ना डिस्टेंस था। राम को लंका जाने के लिए कितना को ये करना, मेहनत करना पड़ा उनको, ये वानरों द्वारा उधर ब्रिज बना के, फिर उसके बाद वो उधर ब्रिज क्रॉस करके उधर जाके लंका में जाके असुर रावण को मारना पड़ा, यानी बहुत दूर था भगवान और असुर का अंतर, बहुत दूर में था। त्रेतायुग सत्ययुग, त्रेतायुग द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ, एक ही इसमें थे, एक ही फैमिली में। हम लोग कुरुक्षेत्र के इसमें देखते हैं ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले हम लोग देखते हैं, ये दुर्योधन युधिष्ठिर, दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही फैमिली वाले थे, एक ही फैमिली वाले थे, उन लोग एक ही फैमिली के थे, मगर पांचों पांडवों के अंदर कैसा गुण था और ये कौरवों के स्वभाव कैसा था, हम लोग देखते आसुरी स्वभाव के थे दोनों, और कौंस दंत वक्र शिशुपाल ये भी थे राक्षस, वो लोग सब नियम को जानते थे, वो नियम के अनुसार चलते थे। सत्ययुग हो गया, त्रेतायुग हो गया, द्वापर युग हो गया, अभी तीसरा है कलयुग, ये अभी कलयुग चल रहा है। तीनों युग में भगवान अवतार लेके आए थे, और कलयुग, कलयुग क्या है भागवतम में दिया है, दोष का, दोष से पूर्ण है, दोष का सागर है, कलो दोष सागर, कलयुग दोष का सागर है। इधर सब लोग मंद बुद्धि वाले, हतभागी, उपद्रवी ऐसे, और लोह का युग है, लोह कलयुग लोह का युग है, इसमें सब जीव आसुरी प्रवृत्ति वाले,
तो इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में, भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु आके जो भगवान का जो खजाना था, भगवान कृष्ण अवतार में आए तो खजाना खुले नहीं थे, खुला करके नहीं बांटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आके उस जो खजाना था वो पूरा खुला करके सबको बांट दिया, क्योंकि कलयुग में सभी पतित है, पतित जीव है। चैतन्य महाप्रभु भक्त के अवतार में आके उन्होंने जिस तरह ये आसुरी आसुरों को मारा, भागवत में भी आया ना, कृष्ण वर्णा तुषा कृष्णम सांगोपांगस्य पार्षद यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, राधा रानी का रंग रूप और कृष्ण का भाव, साक्षात कृष्ण अवतार लिए, और कैसे अपने सांगो सांग पार्षदों के साथ, पार्षदों के साथ आए हैं, और कौन सा अस्त्र शस्त्र लिया है, शंख चक्र गदा वो कुछ नहीं लिया, उनका अस्त्र क्या है, संकीर्तन। हाँ, संकीर्तन यज्ञ द्वारा सभी आसुरों को मार दिया। इधर हम लोग देख सकते हैं एक जो संकीर्तन यज्ञ में कौन हिस्सा ले रहे थे, सुमेधसा, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है उस इस संकीर्तन आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। चैतन्य महाप्रभु सभी के अंदर के जो आसुरी गुण जो है, हम लोग सब आसुर लोग है ना, हम लोग सब आसुरी है, तो कलयुग में सभी लोग आसुरी है। जब भी हम लोग भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, महामंत्र का जप करेंगे तो हमारे अंदर का ये जो आसुरी गुण धीरे 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 निकले, नहीं तो आसुरी गुण निकलने वाला है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को ये मार्ग दिखाए, इस मार्ग पे हम लोग को चले गए तो हम लोग भगवत भगवान के शरण तक पहुंच जाए, नहीं तो जब तक हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो ये अनर्थ अनर्थ जो है वो जाने वाला नहीं है। अनर्थ के कारण ही हम लोग भले कितना भी ये बोलो, इससे हमारे अंदर ऐसा अटैचमेंट है, ऐसा गुण रहता है, खाने को बैठेगा तो हम लोग दूसरों का पत्ता देखे, अरे उसको ये मिला मुझे ये नहीं मिला, उसको वो दिया इसका नहीं दिया, अरे वो नहीं, ऐसे हम लोग इतने हमारे अंदर संकुचित बुद्धि रहता है, ये सब आसुरी गुण का ही है। दैवी स्वभाव वाले कैसे रहते हैं, दैवी स्वभाव वाले कोई इच्छा नहीं करते, भगवान से कोई इच्छा नहीं करते, कब क्या इच्छा करते हैं, जन्मों जन्म में आपका सेवा मिले, आपका भक्ति करना मिले, भक्ति विनोद ठाकुर के, भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के जब भजन हम लोग पढ़ते है ना, आपका चरण रज, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त का एक चरण रेणु मिले तो बस वो भगवान के दासों के दासों के दास दास रूप में रहते और वो कुछ इच्छाएं नहीं करते। अगर कीट जन्म में हो, अगर आपका इच्छा है कीड़ा का भी जन्म देना चाहते हो तो मुझे भक्तों के घर में दे, भक्ति विनोद ठाकुर ने, अगर हमें आपका कुकुर यानी कुत्ते बना के रखो, कुत्ता ऐसा वफादार जीव है, वो कभी भी मालिक को नहीं छोड़ता है, उसके गले में पट्टी बांध के रखते ना, अभी हम लोग देखते हैं किसके गले में पट्टी है उसका मालिक है, और किसके गले में पट्टी नहीं है वो म्युनिसिपैलिटी वाले आके उसको पकड़ के लेके जाते मार देते। इसी प्रकार जो गुरु के शरण में है, गुरु से गुरु के आज्ञा का पालन करता है, गुरु की सेवा करता है, वो
भगवान के चरण में सुरक्षित रहे, गुरु के वचन सुन के, गुरु से पालन करके, गुरु का आज्ञा का पालन करके भगवान का सेवा करता है, वो शांति से रहे। मगर जो भी गुरु का शरण में नहीं जाएगा, भगवान का विषय में सुनना नहीं जाएगा, तो उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। हम लोग देखते हैं इधर कलयुग में सब। अभी आज तो ये है जगन्नाथ का स्नान यात्रा है, जगन्नाथ बहुत पानी में स्नान करते हैं और उसके बाद सर्दी हो जाता है, उनको बीमार हो जाता है, उसके बाद पट बंद रहता है, जगन्नाथ पुरी का पट बंद होता है। फिर अभी बाद में जगन्नाथ रथ यात्रा जुलाई 1 है, तभी उसके पहले दिन नयनोत्सव करके जो है भगवान का पट खुला हो जाता है। उसके पहले गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मार्जन रे क्या है, गुंडीचा कौन है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी और बोलो वृंदावन माता जी, वृंदावन है, उसकी तुलना वृंदावन से की गई है। हाँ, और बोलिए, दम की पत्नी है ना माता जी, जिनको भगवान माँ के रूप में मानते हैं। हाँ, उन भगवान के मौसी है, गुंडीचा है भगवान की मौसी, जो राजा ने भगवान जगन्नाथ को स्थापना किए उनकी बीवी है गुंडीचा। और गुंडीचा मंदिर है उधर जगन्नाथपुर में जो गए हैं, वो बड़ा मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर एक गुंडीचा का मार्जन करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन। गुंडीचा मार्जन में क्या है, हमारा हृदय का मार्जन किया, जैसे एक गुंडीचा का वो मंदिर है ना इधर वृंदावन, उसको जगन्नाथ को लेके जाके वृंदावन में बिठा दिया। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ वो मार्जन ऐसे मार्जन करते हैं, गुंडीचा का मार्जन साक्षात भगवान भगवान करके दिखाते हैं हम लोग को कैसे मार्जन करना चाहिए। पहले झाड़ू लेके साफ करते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, और उसके बाद छोटा छोटा पार्टिकल्स भी नहीं रहने का, फिर अपने शॉल लेके सब पोते दीवार पर सब सब सब, इतना क्लीन गुंडीचा मंदिर को इतना साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि जगन्नाथ उधर आके बैठने वाले जगन्नाथ। उसी तरह ये हमारा शरीर, शरीर के अंदर हृदय के अंदर हमारा कितना अनेक 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 जन्मों से क्या बैठा है, सब धूल बैठा हुआ। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षास्त्र का मैं बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। हमारे अंदर भगवान आके बैठना है तो ये सब अनर्थ को निकालना पड़ेगा हम लोग। अगर थोड़ा भी पार्टिकल्स अनर्थ का पार्टिकल्स हमारे अंदर रह गया तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु भक्तों के रूप में आके उन्होंने खुद करके दिखाया, पूरा गुंडीचा मार्जन इतना साफ करके हम लोग को दिखाया। हमारा हृदय भी ऐसा साफ रहना चाहिए, थोड़ा भी उसके अंदर पार्टिकल्स धूल का पार्टिकल्स रहेगा तो क्या हो जाता है, वापस हम लोग पाप करते रहते। हमारे अंदर पाप का बीज कभी नष्ट नहीं होता है, बोलते ना भगवान बता रहे इसमें, ये सभी के अंदर जो पाप का बीज रहता है वो नष्ट नहीं होता है। ऐसे जले जल जाएगा जंगल में, आग लग जाए तो बड़े बड़े पेड़ सब सब पेड़ पौधे सब जल जाते, पूरा खत्म हो जाता है। मगर वापस बारिश आता है, बारिश आने के बाद क्या हो जाता है, वो अंदर जो रहता है ना रूट, उधर से वापस आने लगता है, पेड़ उगने लगता है। उसी तरह हमारा हृदय भी इतना साफ रहना चाहिए ना, इतना सा उसमें थोड़ा भी अनर्थ नहीं रहना चाहिए, तो भगवान आके हमारे अंदर हृदय में बैठे। ऐसे तो हर एक के हृदय में भगवान बैठे मगर हमारे उसके ऊपर धूल कवर हो गया, इसके लिए हम लोग को दिख नहीं रहे। हम लोग जो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, हम लोग जितना भी चैंटिंग में लगे तो मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन लगे नहीं लगेगा, सुनने में मन नहीं लगेगा, भगवान के मंदिर जाने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब अनर्थ हमारे अंदर भरा है। जब तक हम लोग ये सब साफ नहीं करेंगे तब तक तो हम लोग भक्ति में
आगे बढ़ेंगे नहीं। ऐसे से हमारे अंदर इतना अटैचमेंट रहता है, जो भी चीज के ऊपर हमारे अंदर ऐसा अटैचमेंट है। कोई किसी का चोरी हुआ, सोचो कुछ भी चोरी हुआ तो हम लोग कितना हाय हाय करते, अरे मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा ये चोरी हो गया करके। इन्हें ये अटैचमेंट है ना, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सब अन्य अभिलाषिता से कुछ इच्छा, बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगी तो ही वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता। हम लोग सोचना चाहिए हम लोग अभी कितने तक भक्ति में आगे बढ़े। हम लोग का मन लग रहा है पढ़ने में, ग्रंथ पढ़ने में मन लग रहा है, चैंटिंग करने में मन लग रहा है, भजन करने में मन लग रहा है। तो मन नहीं लग रहा है थोड़े अलग, हम लोग सोचने का हमारा अंदर अनर्थ, अनर्थ अभी तक गया। इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहिए और बार बार भागवत कथा सुनना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे कितने बार पढ़ने पर भी भगवत गीता वापस नया ही लगता है। बार 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 भगवत गीता भागवत हमको पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के एक दिन हमारा मन स्वच्छ होएगा, साफ होएगा, तो हम लोग मतलब अंदर के भगवान का दर्शन कर सकेंगे। भागवतम में हम लोग एक उदाहरण मिलता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, किधर 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 से हनी लाके हनी को में भर के रखता है, ऐसा मेहनत करता है मेहनत करता है मेहनत कर सब भर के रखता है। मगर वो हनी बेचने वाला क्या करता है, उसको चोरी करके लेके जाता है, उसको भी मार देता है। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी पूरा धन कमाने में, इंद्रिय तृप्ति करने में, भोगने में लगा हुआ है। मगर हमारे पीछे काल खड़ा है, उसको देखते नहीं, एक काल आके हम लोग को निकल जाए। और अजगर, अजगर से भी हम लोग सीखने को मिलता है। अजगर क्या करता है, किसी को खाने के लिए नहीं जाता, एक ही जगह बैठा रहता है, उसके पास जो भी आएगा वो खाता है। हम लोग अभी शुद्ध भक्तों का जब चरित्र देखते, माधवेंद्रपुरी जैसे बड़े बड़े भक्तों का हम लोग कथा सुनते, तभी उन्होंने भी भगवान का धाम में गोवर्धन में बैठ के चैंटिंग करते बैठते, भगवान का ध्यान करते रहते। भगवान को चिंता हो जाता है, अरे मेरा भक्त बैठा है, मेरा नाम लेते रहते। इसके लिए भगवान भक्त के रूप में आके उन लोग को दूध देते। राधा रानी का भी हम लोग देखते, राधा रानी भी आके षड गोस्वामी उनको दूध देते। ये सब हम लोग पढ़ के समझे, हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हमारे अंदर का जो ये आसुरी स्वभाव, आसुरी स्वभाव को हम लोग को निकलना होगा। उसको कंटिन्यूअस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, किसी को भक्त बनाने ना बहुत कठिन हो रहा है। माँ को बोलेगा तो बच्चों को श्लोका क्लास देने बोलता, बच्चे पसंद नहीं करते करके, बच्चों को बोला पूछेगा तो बच्चे बता, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं। माँ बाप को इंटरेस्ट होएगा तो ही बच्चों को इंटरेस्ट आएगा ना। बच्चे थोड़े बोलेंगे, बच्चों का अखा दिन खेलना, टीवी देखना, मोबाइल देखना यही पसंद है, बच्चे थोड़े बोलेंगे हम लोग को जाना है। अगर हम लोग बच्चे पूरा दिन खेलते रहते, स्कूल में भेजना है तो उनको कैसे हम लोग नहीं स्कूल में जाओ करके कंपल्सरी उन सुबह उठाएंगे, स्कूल भेजेंगे, होमवर्क करो करके बिठाएंगे, कंपल्सरी कर देना। ऐसे हम लोग भगवान की भक्ति में भी बच्चों को उस तरह हम लोग ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में हम लोग देखते 5 बरस से बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए। 5 बरस से हम लोग बच्चों को सिखाए तो बड़े होने के बाद वो शुद्ध भक्त बन जाते। ये सब हम लोग को अपने जीवन में उतार के अपने पूरा परिवार वालों को भगवान का भक्त बनाना चाहिए। प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव प्रकट हो गए, नरसिंहदेव पूछ रहे प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए, मांगो मांगो। प्रहलाद महाराज भक्त है, भक्त कुछ नहीं मांगते, भक्त क्या मांगते होंगे। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से बोल रहे मुझे मेरे गुरु, मुझे कृष्ण भक्ति सिखाया वो गुरु की सेवा करना है, मुझे ये मौका दीजिए मुझे गुरु की सेवा करना है। ये सब अरे शुद्ध भक्त कभी डायरेक्ट मैं शुद्ध भगवान का भक्त करके नहीं बोलती,
कितने भी बड़े बड़े महात्मा लोग उनको देखिए आप लोग उनका स्वभाव कैसे रहते, कितने बड़े चढ़े होते, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तृण हूँ, मेरे अंदर कुछ गुण है ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, सब गुण है रहता है उनके अंदर, बड़े बड़े महात्मा लोगों के अंदर इतना गुण रहता है मगर इतना हम्बल रहते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया है ना शिक्षा अष्टकम, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। घास के तिनके जैसा हमारा स्वभाव रहना चाहिए, कोई कूदे उसके ऊपर चले थूके सहन करना क्षमा करना, ऐसे हमारा गुण होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ कैसे फलों से भरा हुआ रहता है, धूप में बारिश में ठंडी में फल से भरा होता है, खुद खाता है क्या नहीं, दूसरों को फल प्रदान करता है, दूसरों को खिलाता है। हमारा जीवन भी ऐसा है, दूसरों का भला ही सोचता है। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया भारत भूमि जन्म है ते सार्थक करो जन्म, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। भारत भूमि में जो जन्म लिया है पहले आप खुद को भक्त बनाओ और फिर दूसरों को भी भक्त बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, क्षणिक है। कलयुग कलयुग का इसमें बताया है, कलयुग का वर्णन आता है ना 11 कंठों में भागवत में, कलयुग लोक का युग है, कला का युग है, मंद बुद्धि विपद रूपी सब झगड़ालू है, आलसी है, होने पर भी इतना दोष से भरा होने पर भी एक अच्छा गुण है उसमें, एक अच्छा गुण है कौन सा है, जो हरि नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेता है वो आसानी से भवसागर को पार करता है। कलो दोषो निजे राजन, ये कलयुग पूरा दोषों से भरा हुआ है, इसमें कुछ अच्छा गुण है ही नहीं, पर जो भगवान का शरण पकड़ता है, भगवान के भक्तों के संग में रहता है, सत्संग में रहता है, भगवान की कथा सुनता है और संकीर्तन करता है, वो आसानी से भवसागर को पार कर सकता है। इस भागवतम के ये दोनों इसने दैवी और आसुरी प्रभाव का वर्णन किया है। आसुरी प्रभाव वाले अपना प्रभु तो जताते, वो लोग के पास धन है, ये है शक्ति है सामर्थ्य है करके कहते हैं, मगर क्या है वो टेम्पररी, किसी क्षण उनका सब नष्ट हो जाता है। रावण इतना बड़ा था, सोने का लंका वाला था, वो भी गया, कौश भी गया। अभी हम लोग देख रहे हैं अभी कलयुग में हम लोग बड़े बड़े मिनिस्टर लोग पैसा 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 वो बैंक में ये बैंक में पैसा रखते करके मर जाते, मगर भगवान का जो भी भक्त रहता है वो कभी भी भौतिक इंद्र तृप्ति में नहीं लगता, उसका एक ही इच्छा रहता है हमेशा मेरा मति भगवान के शरण में रहेंगे। ये 12 महाजनों का भी हम लोग देखते हैं, 12 महाजनों का शरणों के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। द्वादश महाजन दीन गतानुबंधा, वो लोग कैसे चले उन्हीं मार्ग से हम लोग को चलना है, ये भगवान हम लोग को सिखाते। जो भक्त लोग का चरण का शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्तों का चरण रेणु हम लोग को मारते में लगा रहता, तो ही हम लोग अच्छा से भगवान का भजन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। प्रहलाद महाराज भी वही बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त का चरण रेणु से हम लोग को स्नान करना चाहिए, हमारे ऊपर उनका चरण रेणु लाल के हम लोग को नहाना चाहिए, तो ही हम लोग भगवान का भक्ति कर सकते। प्रहलाद महाराज तो राक्षस कुल में जन्मा था, उनका कुछ सत्संग है ही नहीं था, राक्षस कुल में जन्मा था, फिर भी नारद मुनि की कृपा से शुद्ध भक्त की कृपा से वो जन्म से शुद्ध भगवान का भक्त बन गया और भगवान की नरसिंह भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया उन्होंने शुद्ध भक्ति के द्वारा। इसी तरह मैं सभी भक्तों को यही याचना करती हूँ, सभी लोग अपने मन को भगवान के चरण में लगाइए, चैंटिंग बराबर चैंटिंग कीजिए, कीर्तन कीजिए, सत्संग में आइए, भगवत कथा भगवत गीता पढ़िए सुनिए, उसका उसके जैसे अपना जीवन आचरण कीजिए,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृपा महाराज की जय। हरे कृष्णा, कुछ त्रुटि हुआ तो बोलिए।